नमस्कार अभिवादन स्वीकार कीजिए हरप्रीत कौर का हमारे इस लाइव और इंटरैक्टिव सत्र में जी हाँ आप देख रहे हैं इस वक्त हमें हमारे ई विद्या चैनल नंबर 10 पर और हम आपको बता दें कि हमारा जो ये आज का सत्र है हमारे कक्षा दसवीं के जो विद्यार्थी हैं स्पेशली हम उनके लिए लेकर आए हैं बाकी जितने भी व्यूवर्स हमें देख रहे हैं वो भी इस सत्र से बहुत कुछ सीख सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है जी हाँ आज जो विषय हमने चुना है वो है संस्कृत और संस्कृत विषय के अंतर्गत आज हम लेने जा रहे हैं आपकी पाठ्य पुस्तक का आठवां अध्याय जिसका शीर्षक है विचित्र साक्षी तो विचित्र साक्षी ये किस बारे में है ये पाठ हम इसके बारे में क्या जानने समझने वाले हैं ये आपको थोड़ी देर में पता चलेगा लेकिन क्योंकि ये जो सत्र है लाइव और इंटरेक्टिव है तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं ईमेल लिख सकते हैं और अपने कोई भी प्रश्न हैं आपके कोई सुझाव हैं कोई भी आपको क्वेरी है डाउट है वो आप पूछ सकते हैं तो सबसे पहले आप नोट कर लें हमारा फ़ोन नंबर जो है आठ और अगर आप हमें ईमेल के माध्यम से कोई भी अपने प्रश्न भेजना चाहते हैं या किसी तरह का सुझाव कोई राय कोई प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमारी ईमेल आईडी है डी टी एच डॉट क्लास टेन एट सी आई ई टी डॉट एन आई सी डॉट इन तो कक्षा दसवीं के छात्रों के लिए जो आज हम अध्याय समझने पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमारी एक्सपर्ट हमारी विशेषज्ञ मौजूद हैं तो चलिए उनका स्वागत करते हैं हमारे साथ हैं मिस सरस्वती मिश्रा मैम नमस्कार स्वागत है आपका नमस्कार जी आप टीजीटी संस्कृत हैं और मैम हमें बताएंगी कि आज एग्जैक्टली exactly, आज हम मैम इस सत्र में हम क्या पढ़ने वाले हैं और जो भी विषय जो हमने लिया है जो शीर्षक बहुत ही दिलचस्प है विचित्र साक्षी इस पाठ को पढ़ने के बाद लर्निंग आउटकम क्या होने वाला है हमारे विद्यार्थियों के लिए जी बिल्कुल लर्निंग आउटकम के बारे में हम आ, जो है लास्ट में बात करेंगे जी. पहले हम शुरुआत में देख लेते हैं कि विचित्र साक्षी जो पाठ का नाम है उसका अर्थ क्या है और इसमें किस तरीके की चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं हुँ. तो देखिए आप पहले हम पिक्चर पे चलते हैं मैं बच्चों से कहूंगी कि पहले आप पिक्चर को देखिए कैसा है जी पिक्चर में आप एक को एक न्यायालय का दृश्य दिख रहा होगा है ना एक कोर्ट है और वहाँ पे कुछ लोग वहाँ पे खड़े हैं एक सिपाही दिख रहा है एक दूसरा व्यक्ति है कोई एक लेटा हुआ है तो किस तरीके का जो है पार्ट है होने वाला है जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि विचित्र यानी कि अजीब कुछ अजीबोगरीब गरीब सा, साक्षी मतलब गवाही देने वाला जो कोर्ट में जाके गवाही देता है तो हम स्टार्ट करते हैं अब इसको जी देखिए अच्छा पाठ को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये जो पाठ है श्री ओम प्रकाश ठाकुर जी द्वारा रचित आ, कथा ग्रंथ से जो है संपादित है और इसमें जो है न्यायाधीश के रूप में बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी जी द्वारा जो है इसमें आ, इसमें जो है निर्णय लिया जाता है तो क्या वे निर्णय सही लेते हैं या गलत लेते हैं इस पाठ के अंतर्गत हम देखने वाले हैं जी तो हम शुरुआत करते हैं अब इसका बिल्कुल जन निर्धोजन जन भूरी परिश्रम्य किचित वितम उपार्जित स्वुत्र एक महाविद्यालय प्रवेशम दापयुम सफल हो जाता देखिए कोई जो है निर्धन व्यक्ति है और वो कैसा है बहुत ज़्यादा निर्धन है और बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद धन का उपार्जन करता है धन कमाता है और उसी धन को जो धन वो कमाता है उसके द्वारा ही वो अपने पुत्र का जो है कॉलेज में एडमिशन दिलवाता है तत्नय तत्र छात्रावासे निवसन अध्ययने संलग्न समभूत और वहाँ पे अपने पुत्र को क्योंकि घर पे तो रखेगा नहीं तो आजकल के टाइम में क्या होता है बाहर जब बच्चे पढ़ने जाते हैं तो क्या होता है बच्चे हॉस्टल्स में रहते हैं तो वैसे ही ये बच्चा भी क्या है हॉस्टल में जाके रह रहा है एकदा सब पिता तनुजस्य रुग्णताम आकर्ण्य व्याकुल हो जाता पुत्रम दृष्टुम च प्रस्थित एक बार क्या होता है कि पिता जो है जो जो निर्धन व्यक्ति है अपने बेटे का जो है कि वो बीमार है ऐसा सुनकर बहुत ज्यादा व्याकुल हो जाता है बहुत परेशान हो जाता है और उससे मिलने के लिए वह वहां से निकल जाता है घर से लेकिन देखिए परम अर्थ कार्येण लेकिन अर्थ के कार्यशेन अर्थात अर्थ के अभाव में यानी पैसे के कमी के कारण पीड़िता स यानी पीड़ित वो जो निर्धन व्यक्ति है बस यानम विहाय बस यान को यानी कि बस को छोड़कर कैसे जाता है पदातिरेव यानी कि पैरों से ही प्राचलत पैरों से ही चलना शुरू कर देता है पदातिक्रमेण संचलन सायम समय अपी असो गंतव्या दूर आसित लेकिन पैरों से चलते चलते काफी शाम मतलब शाम हो चुकी है शाम शाम के जो है सात बज चुके हैं और अभी भी अपने वो गंतव्य स्थल से यानी कि जो बच्चे के हॉस्टल में पहुंचना था उससे अभी भी वो दूर है जी निशान्धकार प्रसृत्य विजने प्रदेशे पद यात्रा न शुभा वहा और देखता है कि बहुत सुनसान जगह हो चुका है अंधेरा जो है अंधेरा हो चुका है तो यहाँ पे चलना जो है पैरों से चलना सही नहीं है एवं विचार्य स पार्श्व स्थित ग्रामे रात्रि निवासम कर कंचित गृहस्थम उपागत hmm. करुणा पर तस्मय आश्रय प्रायछ और देखिए यहाँ पे वो किसी ऐसा सोच कर कि पैदल जाना तो ठीक नहीं है तो ऐसा सोचकर क्या करता है वो आ, किसी जो वहाँ के गांव का जो निवासी है उससे बोलता है कि मुझे यहाँ पे आज के लिए आश्रय दे दो रात भर के लिए तो कोई वहाँ पर जो बहुत ही जो है करुणामय व्यक्ति जो है जो दयालु व्यक्ति है उसको उस दिन के लिए आ, रख लेता है रात भर के लिए कि ठीक है आप यहाँ पे रुक जाइए लेकिन देखिए अचानक से क्या होता है विचित्रा दैव गति दैव की गति यानी भाग्य जो है कुछ और यहाँ पे कह रहा था कुछ अजीब ही होने वाला था वो क्या होने वाला था देखिए तस्मेव रात्रो यानी उसी रात्रि में उसी रात ही तस्मिन गृह उसी घर में कश्चना चौर कोई चोर गृहाभ्यंतर प्रविष्ट घर के अंदर प्रविष्ट कर जाता है प्रवेश कर जाता है तत्र निता में एक आदाय पलायिता और वहां से एक छोटा सा जो एक जो है बॉक्स जो है मंजुषा यानी पेटी को लेकर वो भागने की कोशिश करता है भागा जा रहा था वो चौरसया पाद ध्वनिना यानी चोर के पैरों के ध्वनि से यानी यहाँ तृतीया का प्रयोग है जो बच्चे देख सकते हैं कि यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है ज़्यादातर जो है पाद ध्वनिना यानी कि पैरों की ध्वनि के द्वारा प्रबुद्धो अतिथि यानी जागा हुआ अतिथि चौर शंकया फिर से तृतीय विभक्ति का यहाँ प्रयोग है बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पे जो है तृतीय का प्रयोग आपका हो रहा है चोर शंकया में तृतीय एक वचन यानी चोरी की शंका से कि चोर है कोई शायद ऐसा सोचकर जो अतिथि है जो निर्धन व्यक्ति अतिथि के रूप में उस घर में आया था रात भर के रुक के लिए रुकने के लिए तो क्या करता है तम अनुअधावत उसके पीछे पीछे भागता है और अगृहनाक्ष उसको पकड़ लेता है परम तदानी में व किंचित विचित्र मघटत लेकिन फिर से कुछ अजीब हो जाता है अब देखिए चोर तो आप चोर आप देख सकते हैं कि चोर तो क्या हुआ चोर तो पकड़ा गया लेकिन यहां पे वो क्या करता है चोर पकड़ा गया है लेकिन यहां पे हो सकता है कि वो उसको शाबाशी मिले उसने धन व्यक्ति को लेकिन यहाँ पे शाबाशी मिलने के बजाय फिर से कुछ अलग सा हो रहा है तो क्या अलग हो रहा है ये हम देखने वाले हैं क्योंकि चोरी तो किसने की जो जो चोर जा रहा था कोई और था लेकिन वो पकड़ा गया अब देखिए क्या हो रहा है चौरह एव यानी चोर ही उच्च ही जोर जोर से क्रोशतुम आरभता बहुत तेज से चिल्लाना शुरू कर देता है क्या चिल्लाना शुरू करता है देखिए देखिये चौरो अयम इति मतलब कि ये चोर है ये चोर है अब देखिए क्या अजीब हुआ यहाँ पर कि जो चोर है वही क्या कह रहा है कि देखो वो पकड़ा गया खुद ही और जिस व्यक्ति ने पकड़ा उसको उसको ही उसने क्या कर दिया चोर बता दिया अब देखिए यहाँ पे तस्य तारेस्वरण प्रबुद्धा ग्रामवासि स्वगृहात निष्क्रम्य त्र वराकम अतिथिमे चौरम चो, मत्वा अभर्स्यन अब देखिए जो अतिथि को, को जो है वहाँ के गांव के जो निवासी हैं क्या करते हैं चोर समझ लेते हैं और चोर समझकर क्या करते हैं उसको बहुत बुरा भला बोलते हैं बहुत ज़्यादा बुरा भला बोलते हैं कि अच्छा ये तो चोर था इसको हमने यहाँ पे क्या दिया आश्रय दिया और ये तो चोर था और इसको क्या करो अंदर जेल में डालो और वहीं पर आरक्षी जो है वहाँ का जो सिपाही है गाँव का जो खुद ही चोर था उसको क्या करता है वो अंदर डाल देता है जेल में जाके डाल देता है फिर से देखिए कुछ कुछ अजीब है क्योंकि निर्धन व्यक्ति ने चोरी तो की नहीं उसके पास पैसा है नहीं कि नहीं। वो वकील करेगा तो यहाँ पे क्या ऐसा होने वाला है देखते हैं बहुत ही जो है रोचक ये बनने वाला है अग्रिमे दिने स आरक्षी चौराभियोगे तम न्यायालय नीतवान तम न्यायालय देखिए चो, चोरी के अभियोग में यानी चोरी के आरोप में जो आरक्षी है उस निर्धन व्यक्ति को लेकर जाता है कहाँ पर न्यायालय में न्यायाधीशो बंकिम चंद्र उभाभ्याम पृथक पृथक विवरणम श्रुतवान जो न्यायाधीश हैं जो बंकिम चंद्र चटर्जी जो हैं जो न्यायाधीश रूप में हैं वो क्या करते हैं दोनों का अलग अलग विवरण सुनते हैं जैसे कि हम जो है आमतौर पर देखते हैं कि आ, आ, क्या होता है कि अगर कोई चोर है कोई सिपाही है या कोई आ, कुछ दुर्घटना अगर हुई है न्यायालय में तो वहाँ के जो न्यायाधीश हैं अलग अलग, अलग जगहों पर क्या करते हैं लोगों से उनका विवरण पूछते हैं कि अच्छा तुम बताओ तुमने क्या किया तुम बताओ तुमने क्या किया तुम्हारी कोई गवाही है या तुम कोई प्रमाण जो है यहाँ पे लाना चाहते हो अपने बचाव में तो वो लाओ तो आ, लेकिन यहाँ पे क्या होता है यहाँ पे तो उसके पास कुछ होता नहीं है तो आ... आपको क्या लगता है माम कि क्या होने वाला है क्या उसके पास क्योंकि प्रमाण तो है नहीं जी तो क्या होने वाला है कि वो बचेगा क्या ये बाकी बड़ा एक असमंजस की स्थिति है है कि कि जैसे जो तो पहले परिस्थिति है, ये तो वही बात हो गई मुहावरा हिंदी का उल्टा चोर कोतवाल को डांटे बिल्कुल बिल्कुल जिसने चोरी की वही दूसरे को चोर बना रहा है जी, और जी। अब दूसरी चीज है न्यायाधीश के सामने उन्हें लेकर तो आए हैं अब निर्धन व्यक्ति है तो सच सच उसको पता है कि वो सत्य की राह पर है पर उसके पास कोई प्रमाण नहीं है और हम सब जानते हैं कि हमने देखा है कि कानून अंधा होता है कहते हैं आंखों में पट्टी बंदी है तो बिना साक्ष्यों के बिना प्रमाणों के तो आप अपनी बात साबित नहीं कर सकते तो मैम असमंजस की स्थिति है मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि क्या होने वाला है हाँ। लेकिन आप बताएं कि सजा मिलेगी नहीं मिलेगी और किस आधार पर होगा कि मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी हाँ बिल्कुल बिल्कुल मैम देखिए जैसे कि आ, आज के टाइम में तो क्या है कि कहीं भी सीसीटीवी कैमरा हमें देखने को मिलता है कि अच्छा कहाँ पे क्या गलत हुआ क्या सही हुआ उसका फुटेज लेके हम क्या करते हैं कि आ, वो प्रमाण के रूप में रख लेते हैं लेकिन यहाँ पे तो देखिए कोई सीसीटीवी कैमरा ही नहीं है वो जो निर्धन व्यक्ति है उसने पकड़ा था चोर को और वो खुद को ही जो है उसको ही लोगों ने चोर बना दिया कि यही चोर है यही चोर है अब उसके पास उसको ना तो किसी ने देखा कि चोरी किसने की और ना कोई बोलने वाला है कि चोर कौन है तो अब क्या वो बचेगा तो वाकई ये जो है ना ये बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है बनने वाला है तो हम देखते हैं आगे जी आ, फिर देखिए न्यायाधीश ने क्या किया कि दोनों का अलग अलग जो है विवरण को सुना अब देखिए क्योंकि न्यायाधीश हैं बहुत बड़े विद्वान हैं वो पहले से ही तो जैसे ही ये वृत्तांत को सुनते हैं तो समझ जाते हैं कि कौन निर्दोष है और कौन दोषी है जी लेकिन किंतु यहाँ पे लिखा हुआ किंतु प्रमाण अभावात सर निर्णय तुम न अशक्नोत, यानी कि प्रमाण के अभाव में वो निर्णय नहीं ले पाते वो समझ जाते हैं कि निर्धन व्यक्ति क्या है वो जो है निर्दोष है और जो जो दूसरा व्यक्ति है जो आरक्षी है वहीं का गांव का सिपाही है वही क्या है वही दोषी है वही चोर है लेकिन वो क्या है उनके पास प्रमाण तो है नहीं तो किसको इसको कैसे सिद्ध करने वाले हैं कि कौन जो है यहाँ पे चोर है और कौन जो है यहाँ पे निर्दोष है क्योंकि प्रमाण हमें देखने को नहीं मिल रहा है बिल्कुल वैसे हमें जो मुंडकोपनिषद में एक जगह मिलता है हर जगह हम सत्य में व जैसे तो सत्य में व क्या वाकई जो है सत्य हमेशा सत्य की हमेशा जीत होती है प्रमाण के अभाव में भी मैम मुझे ऐसा लगता है कि वाकई होती है क्योंकि आप सिर्फ सत्य की राह पर चलिए और अगर आप सत्य की राह पर हैं तो कहीं ना कहीं ईश्वरीय प्रकृति भी आपकी मदद करती है भले ही देर लगेगी लेकिन आपको न्याय जरूर मिलेगा अच्छा है हैं <laughs> है, देखते हैं पे भगवान तो जो न्यायाधीश है ठीक है तुम अगले दिन फिर से आओ तुम दोनों और अगले दिन फिर से अपना अपना पक्ष वो दोनों रखते हैं और क्या होता है अचानक से जब अगले दिन वो दोनों अपना पक्ष रख रहे होते हैं तदैव कचित तत्त्य कर्मचारी समागत्य यत इत क्रोश द्वरालय कश्चित जन के नापि हत कर्मचारी जो है कोई याता है उसी समय पर कहता है कि महोदय यहाँ पर जो है दोष कोष की दूरी पर कोई व्यक्ति जो है मारा गया है और उसका जो मृत शरीर है उसका जो डेड बॉडी है वो क्या है जो है नार राजमार्ग के समीप में रखा हुआ है तो उसका क्या करना है आप आदेश दीजिए तो न्यायाधीश क्या बोलते हैं कि ठीक है ऐसा करो जो तुम आरक्षी को और जो जो दोषी व्यक्ति जो निर्धन व्यक्ति था जिसको दोषी समझा जा रहा था उन दोनों को आदेश देते हैं कि जाओ और क्या करो उस जो है मृत शरीर को कंधे पर ढोकर ले आओ न्यायालय में और ऐसा ही होता है वो दोनों जाते हैं और क्या करते हैं लेकर आते हैं और जाते जाते क्या होता है देखिए जाते हैं और फिर क्या देखते हैं आदेशम प्राप्य आदेश को प्राप्त करके उभ प्राचल प्राचलता आदेश को प्राप्त करके दोनों जाते हैं और क्या होता है तत्रोपेत्य कास्ट पटले निहितम पट्टाचादितम देहम स्कंधे न वहंतों न्यायाधिकरणम प्रति प्रस्थितों और देखिए काष्ठ के पटल पर यानी कि लकड़ी के पटल पर जो कपड़े से ढका हुआ जो है कोई जो है डेड बॉडी जो कोई जो है मृत शरीर जो है वहाँ पड़ा हुआ है और उसके आदेश से वो दोनों क्या करते हैं उसको न्यायालय तक ले आते हैं और रास्ते में चलते चलते देखिए आरक्षी अब देखिए एक चीज़ और लिखी गई यहाँ पर आरक्षी कैसा है सुपुष्ट तो देह यानी बहुत ज्यादा हट्ठा कट्टा है बहुत मजबूत है शरीर से लेकिन अभियुक्त अभियुक्त यानी कि जो आरोपी जिसको समझा जा रहा था अतीव बहुत ज्यादा ही कृषकाय बहुत ज्यादा ही शरीर से पतला दुबला है भारवता शवस्य यानी शव के भार के कारण क्या होता है स्कंधे न वहनम कंधे से जो है बॉडी को ले जाते हुए वहन करते हुए दुष्कर्म आसित उसके लिए बहुत दुष्कर हो जाता है बहुत ज्यादा मुश्किल होता है क्योंकि बहुत बतला पतला दुबला है और जो जो उसका सिर है जो मृत शरीर का वो सिर जो है उसकी तरफ ही होता है जो उठाने में कंधे की साइड जो आता है तो बहुत ज्यादा वो रोते हुए उसको लेकर आता है बहुत मुश्किल से लेकर आता है जो निर्धन व्यक्ति है और देखिये स्व भार वेदनाया उसके भार के वेदना के कारण वो रोने लगता है जो गरीब व्यक्ति है तो उसका क्रंदन सुनकर सुनकर उसके रोना सुनकर मुदित आरक्षी तम उवाचा जो आरक्षी है वो हंसता हुआ बोलता है रे दुष्ट अरे दुष्ट तस्मिन दिने त्वया हम चोरिताया मंजुषाया ग्रहणात वारित कि तूने क्या किया था उस दिन कि तूने मुझे उस दिन जो मंजुषा जो मैं पेटी को लेकर घर से भाग रहा था तो तूने मुझे रोक दिया था अब देख क्या होता है इदानीम निज कृत्य अब अपने किए हुए का फलम भुक अपने किए हुए का जो तूने किया था उसका फलतु भोग अस्मिन चौरियाभियोगे तम वर्षत्र कारादंड लक्ष्य से अब इस चोरी के आरोप में तुम्हें क्या होगा तीन वर्ष का कारादंड यानी तीन वर्ष का जो है तुम्हें कारावास प्राप्त होगा अब तुम तीन साल के लिए जेल में रहोगे इति प्रोच्य उच्च यह और ऐसा कहकर तेज तेज हंसने लगता है यथा कथनचित उभौ शव मानीय एक चत्वरे ऐसा करके दोनों आते हैं जैसे तैसे और न्यायालय में पहुंच जाते हैं और चबूतरे पर उस जो है मृत शरीर को रख देते हैं अब देखिए न्याया, न्यायालय न्यायालय तक ये पहुंच के दोनों के दोनों और कोई प्रमाण अभी भी नहीं है तो अभी दोषी जो है किसको अभी जेल जो है जाना है ये आप बता पाएंगे बिल्कुल अभी तक तो निर्धन व्यक्ति को ही दोषी माना जा रहा है अभी तो निर्धन व्यक्ति ही है जिसको दोषी माना जा रहा है और उसके पास देखिए पैसा भी तो नहीं है कि आगे वो कुछ वकील वगैरह करे कुछ भी नहीं है वो रो रहा है और शरीर से भी कमजोर है किसी को कुछ कह भी नहीं सकता है लेकिन देखिए क्या होता है यहाँ पे न्यायाधीशेन पुनस्तव यानी कि न्यायाधीश के द्वारा फिर से उस घटना का जो है विषय के बारे में कहने आ, कहने के लिए दोनों को आदेश दिया जाता है कि तुम अपना अपना पक्ष फिर से रखो तो आरक्षणी निज पक्षम प्रस्तुतवती जो आरक्षी है अपने पक्ष को रखता है अब देखिए जब आश जो यहाँ पे है आरक्षी अपना पक्ष जैसे ही रखता है तो आश्चर्य अघटत फिर से कुछ अजीब होने लगता है कुछ आश्चर्य जो बिल्कुल सरप्राइज कुछ होने वाला है ऐसा कुछ सशव वह जो शव है वह जो मृत शरीर है प्रावारक प्रावारकम अपसार्य जो जो कपड़ा ढका हुआ था जिससे उसको ढका गया था उसको हटाकर न्यायाधीशम अभिवाद्य निवेदितवान न्यायाधीश को अभिवादन करके उससे क्या करता है बोलता है कि मान्यवर एतेन आरक्षिणा देखिए बच्चों ये फिर से आपका तृतीय भक्ति का प्रयोग हो रहा है यहाँ पर आरक्षिणा तृतीय जो है एक वचन कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा ठीक है अध्वनि यद उत्तम तद वर्णयामी कि इस आरक्षी के द्वारा जो भी कहा गया था उसका वर्णन मैं आपके सामने आप कहता हूं। अब कहता हूँ अब देखिए जो बॉडी थी जो वहाँ पे मृत शरीर था अचानक से उठता है और उठने के साथ वो बोलता है कि जो इसके द्वारा कहा गया था आरक्षी के द्वारा अब मैं आपके सामने कहता हूँ और वो क्या कहता है वही चीज़ वो कहता है कि जो तुमने उस दिन मुझे चोरी करते हुए रोका था जो मैं गाँव से एक जो है मंजुषा को लेकर एक पेटी को लेकर भाग रहा था तो तुमने क्या किया था मुझे रोक दिया था अब तुमने जो अपना काम किया था ना उसका किए हुए का फल अब तुम हो और तुम्हें अब क्या होगा कि तीन साल का जो है तुम्हें कारावास होगा तीन साल तक अब तुम जेल जेल में रहोगे और तुम अब दुख को भोगो क्योंकि तुमने गलत किया था मेरे साथ ये कौन कहता है ये वही जो है जो, आ, जो आरक्षी होता है हाँ ये आरक्षी कहता है लेकिन ये जो रिपीट करता है उसकी बात को वो जो, जो दोहराता है दो शव, वो जो, शव जो है जो जिसको समझ जाते कि वो मरा हुआ है वही शव जो है आ, साक्षी के रूप में जो यहाँ पे बात हुई थी कि साक्षी कौन होगा बिल्कुल विचित्र साक्षी तो विचित्र साक्षी वही है कि कुछ विचित्र है ये तो मरा हुआ था इसके सामने उसने कुछ भी बोल दिया और उसको पता नहीं था कि अच्छा यही मेरे खिलाफ़ जो है खड़ा हो जाएगा और देखिए यही विचित्र साक्षी पाठ का जो हम देख रहे थे कि कौन है विचित्र साक्षी तो यही था वो विचित्र साक्षी जो कि यहाँ पे अपना जो है इस रूप में प्रमाण देता है कि कौन सही है और कौन गलत है और ऐसा सुनकर जो जो न्यायाधीश हैं वो क्या करते हैं उस जो निर्धन व्यक्ति को ससम्मान जो है मुक्त कर देते हैं और आरक्षी को जो सिपाही था जो चोर था उसको दंड दे देते दे हैं उसको कारावास में जाने के लिए आदेश देते हैं लास्ट में देखिए एक जो है अंत में एक श्लोक दिया गया है दुष्करारण्यपि कर्माणी मति वैभवशालीन नीतिम युक्तिम समालभ्य लीलय प्रकुर्वते कि जो मति वैभवशाली लोग होते हैं ना जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो दुष्कर कर्मों को भी जो दुष्कर कर्म हैं जो कि जो कि बहुत कठिन काम है मतलब जो असंभव के समान है ऐसे कार्यों को भी वो क्या करते हैं नीति युक्ति से यानी प्लानिंग करके उसको खेल खेल जैसा बिल्कुल उसको समाधान उसका कर देते हैं उनके लिए भी किसी प्रकार का किसी भी तरीके की कोई दिक्कत उनके साथ नहीं होती है जी बहुत तो ही सुंदर पाठ और इससे दो चीज़ें तो ये भी पता लगती हैं कि जो न्यायाधीश की कुर्सी पे बैठा है या किसी भी हम कहेंगे कि अथॉरिटेटिव रोल में जो इंसान होता है उसकी जी, बहुत जी। बड़ी जिम्मेदारी होती है और हमारा जो हमारी जो न्यायपालिका है यहाँ तो कहते भी हैं कि भले ही सौ मुजरिम छूट जाएं लेकिन जो एक है जो इसने कुछ गलत नहीं किया उसको सज़ा नहीं होनी चाहिए तो ये पाठ अपने आप में बिल्कुल उसको मैं कि सामने ला रहा है लेकिन यहाँ भगवान के तो है ही है ना उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है कि, आ, कि कहीं मैं गलत को जो है ना निर्दोष व्यक्ति को कहीं मैं जो दोषी समझकर उसको सजा ना दे दूं बिलकुल क्यूँकी वो वहाँ पे न्याय करने के लिए बैठे हैं और सत्य मेव जैते जो मुंड उपनिषद से जो लिया गया है ये बहुत ही आ, सही कहा गया है क्योंकि सत्य में वह यानी सत्य की हमेशा जीत होती है तो प्रमाण नहीं होने पर भी देखिए कि आ, जो बुद्धिमान लोग बैठे हैं प्रमाण कहीं ना कहीं से साक्ष कहीं ना कहीं से लेकर वो आ जाते हैं और कहते कहते भी से? भी हैं हैं सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूं, पर एक बड़ी सुंदर सी लाइन है, है कि सत्य को साक्ष की जरूरत भी नहीं होती है कई बार देता है जी और मैं मैं जब जब बचपन में <laughs> जो है मैं जो, जब छोटी थी तो मैंने सुना था कि झूठ के पैर नहीं होते बिल्कुल की झूठ के पैर नहीं होते हैं मतलब वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा झूठ जो है सामने आ ही जाएगा जी और जो सच है वो भी प्रकाशित हो जाएगा जी सबके सामने आ जाएगा जी तो ये तो रहा हमारा पाठ जो है विचित्र साक्षी जैसा की आपने देख लिया की विचित्र साक्षी इसमें इसमें कौन था और इसके अलावा जो हम इसमें देखने वाले कि समास समास क्या होता है वैसे मैं बता दूं वैसे बच्चे जो है दसवीं के हैं तो उनको पता होगा कि समास का अर्थ क्या है या कहां पे प्रयोग होता है और क्यों प्रयोग होता है लेकिन मैं इसका फिर से जो इसकी परिभाषा बता देती हूं सम सनम समासम अर्थात संक्षिप्तीकरण करना ही समास है ठीक है मतलब कि अगर एक वाक्य में कोई चीज लिखी गई है है ना तो उसको जो है शॉर्ट में हम कैसे कर सकते हैं उसको छोटे रूप में हम कैसे प्रयोग में ला सकते हैं जी. तो संक्षिप्त कैसे कर सकते हैं वो समास है तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्लाइड के अंदर कि जो है यहाँ पे कुछ कलरफुल से आपको जो है शब्द रंग बिरंगे से दिख रहे होंगे कहीं लाल है कहीं नीला है कहीं हरा है कहीं पीला है तो ये क्या है ये आपका समास है इस शब्द में जो है समास का प्रयोग किया गया है जी जैसे पहला है निर्धनों तो निर्धन शब्द कैसे बना हम बोलते हैं निर्धन है हमें कैसे पता चलता है कि कोई निर्धन का अर्थ क्या है निर्धन मतलब धनी क्यों नहीं है जी। तो है है देखिए तो इसका निर्गतम धनम सह यानी चला गया धन जिसके पास से मतलब जिसके पास धन अब है ही नहीं तो वो कहा कहा जाता है निर्धन ओके आगे हम देखते हैं स्वपुत्रम है स्वस्य पुत्रम पुत्र विभक्ति का यहाँ प्रयोग है अच्छा बच्चों को ये पता होगा कि कितने प्रकार के समास होते हैं इसमें देखिए तत्पुरुष है अव्य भाव समास है, समास है, द्वंद है, है। इस प्रकार से आपके समास होते हैं समास अंतर्गत है तत्तनय तनय षष्ठी तत्पुरुष है, है। छात्रावास हम बोलते हैं छात्रावास छात्रावास मतलब कहा क्या होता है छात्रा नाम आवास यानी कि छात्रों का यानी फिर से षष्ठी का प्रयोग है आपका तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया ये और तत्पुरुष समास कहाँ होता है बच्चों जहाँ पे उत्तर पद प्रधान होता है जहाँ पे जो दूसरा पद है ना अंतिम पद वो जो है प्रधान होता है जी तो छात्रा में मीन छात्राओं का जहाँ पर आवास हो ठीक है आगे देखते हैं दैव गति यानी कि दैवस्य गति दैव की गति षष्ठी तत्पुरुष समास आपका गृहाभ्यंतरम गृहाभ्यंतरम मतलब अर्थ क्या लिया आपने गृह के अंदर यानी घर के अंदर फिर से आपका षष्ठी का प्रयोग आपने जैसे कारक भक्ति पढ़ी होगी तो आपने देखा होगा क्या होता है आपका कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध काके की तो जहां पे संबंध काके की की बात आती है पे आपका षठी आ जाता है तो घर के अंदर गृह मतलब घर के अंदर यानी गृहस्य आभ्यंतरम षष्ठी तत्पुरुष यहाँ पे आ गया आपका पाद ध्वनि नाम यहाँ पे पाद पारध्वनिना किससे जो है अंत हो रहा है यहाँ पे है आपका तृतीय का प्रयोग तो यह हो गया आपका ष्ठी तत्पुरुष समास पादयो ध्वनि तो इस प्रकार से आ, इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो है समास का प्रयोग है ग्रामवासीना स्वगृहत् स्वस्थ गृह रक्षा पुरुष अतिथि कारागृहि कारा नाम गृह जी ठीक है बिल्कुल मैम समय बहुत कम रह गया है समय का भाव है इसलिए हम इस सेशन को ज्यादा आगे तो नहीं बढ़ा पाएंगे लेकिन आई एम श्योर कि आपने जो स्लाइड्स प्रिपेयर करी हैं बच्चों के लिए तैयार की हैं वो उन्हें कभी भी रेफर कर सकते हैं जब भी हमारे सेशन अपलोड होगा हमारे यूट्यूब चैनल एन सी ई आर टी ऑफिशियल पर और इस बहुत ही सुंदर से पार्ट के लिए जिससे इतनी सुंदर शिक्षा मिलती है और लर्निंग आउट का हमने साथ साथ में डिस्कस भी किया है कि क्या क्या हमें सीखने को मिला है तो इस पूरे पार्ट के लिए इस पूरे सत्र के हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद देते हैं नहीं नहीं। जी तो जितने भी हमारे सोशल साइंस विषय पर होगा और इस हरप्रीत कौर अब आपसे लेती हूं अनुमति लेकिन हमारे बाकी के शिक्षा प्रद ज्ञान प्रद और लाभप्रद कार्यक्रमों को सेशन को सुनते रहिए देखते रहिए जुड़े रहिए हमारे साथ नमस्कार